था मुख्य आरोपी, वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सलीम नाम का आरोपी था मुख्य आरोपी, इसको बताया जा रहा है। सलीम शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है कासगंज से, तीन आरोपियों में से एक है सलीम, जिसने चंदन पर गोली चलाई थी। आरोप लगा है कि सलीम ही उन तीन आरोपियों में से एक आरोपी था जिसने चंदन के ऊपर गोली चलाई, जिसकी वजह से चंदन की मौत हुई। और अब खबर आ रही है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सलीम को बताया जा रहा है। काफी दिन से, जब से यह घटना हुई तब से लगातार प्रेशर पुलिस प्रशासन बना रहा था, धरपकड़ अभियान चल रहा था। और आज अब खबर आ रही है कि सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, सलीम शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया है। कासगंज हिंसा में चंदन की मौत हुई थी और चंदन की मौत में जिन तीन लोगों के नाम आ रहे थे उसमें से एक ये सलीम है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। सलीम शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें चंदन गुप्ता की मौत हुई थी और आरोप लगा था कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उसको गोली मार दी, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुआ। तीन लोगों का नाम इसमें आया था, जिसमें बसीम, सलीम और नसीम का नाम था, जिसमें से सलीम को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या है, सलीम को कहां से पकड़ा गया है और जो बाकी के जो दो आरोपी हैं उसके बारे में पुलिस का क्या कहना है अभी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सलीम की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस कर चुकी है और उनका कहना है कि अभी फिलहाल हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ स्पष्ट हो जाने के बाद, पूछताछ से जो जानकारी मिलेगी हम अभी आपको साझा करेंगे। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन एक बड़ी सफलता कही जाएगी। लगातार पुलिस के ऊपर इस बात को लेकर दबाव था कि जो तीन मुख्य आरोपी है उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले ही वहां के एडीजी ने इस बात की पुष्टि की है कि सलीम को गिरफ्तार करके जो कोतवाली है उसमें रखा गया है और जो बड़े अफसर हैं उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इसमें किसी तरीके के राजनीतिक लोग भी शामिल थे या नहीं थे, ये सारी पूछताछ। अरविंद जी, आपकी बात तमाम पुलिस अधिकारियों से बात होगी, आप कह रहे हैं एडीजी वहां लगातार डेरा डाले हुए हैं अजय आनंद, क्या शुरुआती जांच जिस तरह से चल रही है क्या उसमें कोई साजिश की बात आई है? और जो इसको गिरफ्तार किया गया है, सलीम कहां से गिरफ्तार किया गया, उस लोकेशन का कोई खुलासा हो पाया है? लोकेशन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, जैसा मैंने आपको बताया यतेंद्र की, अभी फिलहाल उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो वीडियोस उनके पास उपलब्ध हैं उन सारी कड़ियों को जोड़ने का काम करें। इसके बाद सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था, पॉलिटिकल लोगों का हाथ था, इस बात की पुष्टि करने की कोशिश उनकी हो रही है। कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल थे इसकी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं यतेंद्र जिसकी कड़ियां अगर जोड़ी नहीं जाएंगी तो उससे गलत संदेश जाएगा और शायद यही कारण है कि पुलिस फूक फूक के कदम उठा रही है, रख रही है। हाँ, उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है कि एक मुख्य आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अरविंद जी, एक चीज और इसमें निकलकर सामने आ रही है कि लगातार वलीचा पुलिस तमाम दावे जरूर कर रही है और आज एक शूटर पकड़ा गया, हालांकि अभी तक दो जो आरोपी हैं, टोटल तीन थे जिसमें से दो अभी तक फरार हैं, और आगरा में भी तिरंगा यात्रा निकली है, क्या लग नहीं रहा कि मामला बढ़ता ही जा रहा है? कंट्रोल की बात बार बार पुलिस प्रशासन कर रही है लेकिन तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। यतेंद्र, देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक बड़ी मीटिंग ली थी जिसमें प्रदेश के बहुत सारे आला अफसर शामिल हुए थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि जिलों में किसी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से आगरा में, जिस तरीके से फिरोजाबाद में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, बाकायदा इसके लिए परमिशन जरूर लिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस समय जो हालात हैं उस पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर परमिशन कैसे दी गई और चंदन गुप्ता के लिए विश्व हिंदू परिषद जो दर्जा मांग रही है शहीद का और 50 लाख रुपया मुआवजा देने का, तो इसको लेके उन्होंने यात्रा निकाली थी, लेकिन जगह जगह पे इन लोगों को पकड़ा गया है। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि सलीम को